डन, थैंक। हाँ तो 6 बजे ख़त्म हो जाएगा उनका दूसरा शूट चालू है ना। अरे किसी रीत के सामने है बॉम्बे का फूल। सुनो सुनो कैमरे की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा है। कुछ सिखाए? हाँ बुला लीजिए। ये सब लोग आ गए हैं, क्या था उन लोगों को मालूम होगा। मेरा भी कहता हूँ आदमी चल सकता जीत गए। मैं सपने में भी मुझे याद पूरा पूरा इवेंट कर लेते हैं। अरे इवेंट हां चले चल। हां हां ठीक है, विजुअल बना रहा हूं। अरे बस संभाल लो, रोल दे। या चलो। हां जी दिया दिख रहा हो गया। हां तोड़ दूंगा। मुझे तो बहुत जरूरत है, मुझे वो रेबल ने पेड़ दिया था। अभी I'm learning from him. पूरा सिखाना दाव पेच। थैंक यू थैंक यू। साइड हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे राहुल रॉय सर आ चुके हैं और उसके पहले राखी सावंत जी, डब्बू मलिक जी और चीता यज्ञेश शेट्टी जी ने बड़ा स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जहां पे हम 78 कटिंग होगा और वाली है ही इज बैक, उसके बारे में कुछ बोलें। हम लोग ने 10 साल से करते आए हुए हैं ब्रूस ली का बर्थ एनिवर्सरी। सो इसमें हर साल हम लोग एक कॉज के लिए कर रहे हैं। हम लोग ने वुमन एम्पावरमेंट, निर्भय वुमन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किया था विद टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद किया हमने ब्लड डोनेशन का, देन वी डिड फॉर सेव द वर्ल्ड, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल, एंड I pledge to protect. उसके लिए किया। Now this year we are educating first standard to fifth standard underprivileged children. We are going to give them the books and other facilities. So Chita Jitkundo is doing a lot of things from last 25 years, and it has trained almost 10.5 lakh women across India. Still it is going on, and many of our students in Meerut and somewhere, they bashed two girls, bashed 7 people and dragged them to the police station. So all these records are there, and on top of that we are into martial arts. Martial art is not only for the fighting purpose. In olden days the parents used to tell martial art matlab mara mari, but martial art is for concentration, focus, speed, power, aim, and it involves not only the method
to fight. It is helps you in day-to-day life. Because in day-to-day life, if you are walking on a road, suddenly some bus brake fail, it comes on you. You will know that how to save yourself by diving or by rolling or by flicking something, because there is a reflex which gives your mind what to do and what not do. Now, this year on the 78th Bruce Lee's birth anniversary, we had around about 1,500 children in the morning. Because of their inability to stay back, because of the school bus. The school bus leaves from the school at 2 o'clock, they left at 1 o'clock. And the other states, our Chita Jitkundo state people are here now. They are all from 7 to 8 states of India. And we are going to felicitate them of their work. They give selfless training to all the women across India without taking a penny from them, and we'll be honoring them, and we'll be honoring the kids, underprivileged kids, with their books and some gadgets. And for this, sab log zordar taaliya bajaye support karne ke liye aaye. Thank you. तो जैसा जानते हैं कि आज 78 बर्थ एनिवर्सरी है ब्रूस ली जी का, तो सबसे पहले 1, 2, 3 मैं कुछ छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आगे फोटो के लिए और अब राखी सावंत जी जंग जीत के आ चुके हैं चंडीगढ़ से. दीपशिका नागपाल जी ने, मुझे तो पता नहीं था, उन्होंने युग्मेश सर के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम भी किया टाइम्स म्यूजिक के लिए. निकिता रावल, आस्था रावल अभी कलर्स पे आने वाली है बहू सीरियल में, इनका शो जैन में लॉन्च हो रहा है. राहुल रॉय जी की बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस ये पूछना है कि बीजेपी की टिकट मिली कि नहीं. सर मेरे साथ रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं, अनाउंसमेंट करवा लिया इनसे. थैंक यू. और पिया ग्रेस, पिया ग्रेस के लिए पर जोरदार ताली हो जाए. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, ऑल द गेस्ट टू प्लीज नाउ टू गिव द अवार्ड्स. नेक्स्ट ओलिवर क्रिस्टोफर, ओलिवर क्रिस्टोफर तुम लोग को मिलेगा. थैंक यू. चलो ओलिवर क्रिस्टोफर. हेलो आनंद कुमार गौहर, आनंद कुमार गौहर. सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियां बजाते रहें, आपके एक कोच है, मेंटोर्स हैं. सर सर नेक्स्ट राहुल, राहुल वाजपेयी, राहुल वाजपेयी, राहुल, अरे हाँ राहुल, राहुल वाजपेयी, सुभाष ऐसे बैग से बॉटल लेते हैं बम भी वहाँ सर.
Thank you. Thank you. Okay, next. Rajendra Gera. अरे थोड़ा सा कैमरा तू तेरा नीचे ले ले। ए भाई ओ ओ दादा पीछे ना। अरे एक मिनट रुक ना बाबा, रुकना अरेंज कर रहा हूँ यार। तू क्या खाली वो क्लोज है कैमरा के सामने मत। बाजू आपका हाथ लगे बिना क्लिक कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सब डाइटिंग पे हाँ दादा, सारे डाइटिंग कारिया को खिलाओ, राजू कारिया को खिलाओ। पवन भारद्वाज एक मिनट गाइस, हियर भूत को खिला। अरे अरे यहाँ पर यहाँ पर दमन कर भी आ जाए। हो गया हाँ, रुको अभी आएंगे। नहीं अरे अरे ये वोट है राजू का, राजू का वोट है। मेंटल सेंसर रिक्वेस्ट है। सम 10 20 पीपल अटैकिंग योर गर्ल, शी विल शो द ओस नेक्स्ट। वेरी वेरी नाइस। Please clap for your buddy. Next. Very nice. Namchak. Idhar idhar face idhar. Face idhar. Thoda peeche jao. Idhar udna jao. Pass. Come on. Next. BJ, camera samalo. Sado Louis. जोरदार ताली बजाए और बुके देके हमारे जो तीन गेस्ट अभी आए हैं उनको बुके दिया जाए। डेमोंस्ट्रेट करवाइए, नहीं से करवाइए अभी ऐसे नहीं। तो मैं मार्शल आर्टिस्ट से ये कहना कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ बहुत ही कम और छोटा लगता है। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत ही अहम चीज़ है। किसी के भी ग्रोन अप जब कोई ग्रो कर रहा है उसके लिए,
एंड आई थिंक मार्शल आर्ट्स एंड जो चीता सर लोगों को दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, अ वे ऑफ लाइफ जो दे रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट. क्योंकि जो डिसिप्लिन इसके ज़रिए आप लोगों को मिलता है, ये डिसिप्लिन और ये वे ऑफ लाइफ जो है, ये आपको आने वाले वक्त में थ्रू आउट योर लाइफ बहुत 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 काम में आने वाला है. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट चीता सर इज इम्पार्टिंग दिस गिफ्ट टू यू, दिस टैलेंट टू यू. और आपने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, यू आर इनक्रेडिबली गिफ्टेड. कैरी ऑन दिस पाथ, ये रास्ते पे, एंड यू कैनॉट गो रॉन्ग. यू आर ट्रूली ब्लेस्ड. ये एक ख्वाब जो है मार्शल आर्ट्स का, ये स्पोर्ट्स या ये फॉर्म जो है, ये मेरी लाइफ में चूक गया. हम लोग क्रिकेट या स्विमिंग करते, बट आई नो मार्शल आर्ट्स, देर इज नो एज लिमिट, देर इज नथिंग. अभी जो फिल्में कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आया तो सिर्फ रोमांस में ही रह गया था, बट अब जब करने आ रहा हूँ तो होपफुली देर इज समथिंग विच इज कमिंग थ्रू. आई विल बी डूइंग दैट एंड लर्निंग, बट आई ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स. और ये जो 78 बर्थ एनिवर्सरी ब्रूस ली का है, आई डोंट थिंक एवर इन द मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड या सिनेमा एनीबडी ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैज एवर मेड सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट एज दिस आइकन, दिस लेजेंड कॉल्ड ब्रूस ली. ही इम्पैक्टेड ग्लोबली एवरीबडी. तो आई थिंक टुडे बीइंग हिज 78 बर्थ एनिवर्सरी, और आज जिस तरीके से पिछले 10 साल से चीता सर हैज बीन सेलिब्रेटिंग दिस इन दिस यूनिक फॉर्म, आई विश हिम हिज स्कूल ऑल द मास्टर्स जो आपको ये टीच कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट. एंड वट एवर हेल्प आई कैन बी पार्ट ऑफ, आई लव टू बी. एंड आई आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी कि मेरे साथ मेरे कलीग्स जो इस मंच पे. थैंक यू दीपशिका जी, आपका दो बातें. गुड इवनिंग. सबसे पहले मैं चीता सर को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी. वो खुद इतने मतलब सुप्रीम है मार्शल आर्ट्स में. सारे कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उन्होंने ट्रेन किया है. चीता सर ने सारे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस को ट्रेन किया है. आई नो मैन आई केम एज अ न्यू कमर. चीता सर वॉज देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई एक्शन फिल्म नहीं कर रही थी. बट तब ऐसा लगता था कि एक्शन फिल्म करूँगी तो ही सीखूंगी. बट वो मेरी गलत फहमी थी, मुझे सीख लेना चाहिए था. बट नाउ व्हाट ही इज डूइंग, जो उन्होंने सीखा है वो सारे बच्चों को और इतनी सारी औरतों को, मुझे बताया कि वो फ्री में सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. ये सब जो कर रहे हैं, देर इज नो स्पॉन्सर्स हियर, ही डजंट गो टू एनी स्पॉन्सर्स, विच आई मेड वेरी प्राउड ऑफ हिम. एंड जब मुझे पता चला कि ऐसा वो कृष्णी जी का बर्थडे मना के ये कॉज कर रहे हैं, आई सेड आई एम द फर्स्ट वन टू कम हियर एंड आई बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू सर. आप सब बहुत लकी हो जो चीता सर से सीख रहे हो और इनकी जो स्टूडेंट्स से आगे सिखा रहे हैं. तो आई थिंक यू शुड फॉलो हिम, द वे ही इज अ ह्यूमन बींग, द वे इज हेल्पिंग अदर पीपल, यू शुड ऑल्सो डू इट. एंड आज मैंने एक चीज़ लर्न की, ही वॉज राइट. हमको लगता था मार्शल आर्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, बट मार्शल आर्ट मतलब फोकस एंड डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड विच वी ऑल लर्न. सो कंग्रेचुलेट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी एंड राखी जी. हेलो सब लोग कैसे हैं? वाह, जोर से चीता जी के लिए बोलो, चीता जी रॉक्स. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि 78 बर्थडे है ब्रूस ली जी का और इज अ लेजेंड. और ओ माय गॉड, जब भी आंख बंद करते हैं कराटे या मार्शल आर्ट सीखना हो, कुंग फू कराटे, और तो सिर्फ ब्रूस ली जी को ही यू नो इमेजिन करते हैं और उसके बाद चीता जी. तो आप तो जानते ही होंगे मुझे कि अभी अभी मैं
जितवाकर आई हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं रेसलिंग रिंग में गई थी तो मैं होमवर्क करके नहीं गई थी और मुझे पता नहीं था, और आप लोगों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चिता जी ने आप लोगों को बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन और थोड़ा होमवर्क करना बहुत जरूरी है ना, है ना? बहुत अच्छा किया। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, बचपन में मैंने काफी सिखा है मार्शल आर्ट। जब मैं बॉलीवुड में आई इंडस्ट्री में, हॉर्स राइडिंग से लेकर मार्शल आर्ट से लेकर पूरा मैंने एक्शन फाइटिंग सीखा। लेकिन जब मैं खलीजी के स्टेज में रिंग में गई तो उस वक्त मुझे जब रेबल रेसलर ने ललकारा तो मुझे ऐसा लगा कि वो डांस के लिए बुला दिए मुझे, और जो समझ नहीं है अंग्रेजी में इतना जोर जोर से कह रहे हैं, देयर इज अ इंडियन वुमन हियर हु कैन चैलेंज मी। और मुझे बताने में तो सलवार कमीज पैंट में तो घुस गई, अब मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पटक देगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं बिल्कुल दो चार सीख कर जाती, होमवर्क करके जाती, चीता जी से सीख के जाती। बट कोई बात नहीं, हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? तो 6 महीने का मेरी फाइट है और अभी 6 महीने तक मैं चीता जी आपसे सीखने वाली हूँ कि उसकी चीता कैसे बनाऊं। तो आप मुझे सिखाएंगे और बच्चियों को सिखाते हैं सर, आई लिटरली सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। अगर ऐसे चीता जी जैसे ही, सर जैसे ही हमारे देश में और लोग हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे देश के बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी आप विदाउट मनी सिखाते हैं, अगेन आई वॉन्ट टू सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। रियली बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि चीता जी हैं, हम सबको मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट को सबको मिलकर, चीता जी हम आपको रियली सैल्यूट करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे लोग मार्शल आर्ट सीखो, हे प्रभु मैं और सीख गई होती तो पिटवा कर नहीं आती, लेकिन लेकिन मैं हेलो फिर से डर गया क्या? हेलो माय वॉइस इज देयर? मैं फिर से सीखूंगी और ब्लैक बेल्ट करूंगी जी 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 रोल 78 78 स्टार्ट
आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, 78 बर्थडे हैं ब्रूस ली जी का, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे चिता भाई जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मार्शल आर्ट सिखा रहे, कुंफो कराटे सब कुछ, नंचाक से लेकर सारी चीज़ें सिखाते हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट। 10.5 लाख बच्चियों को, वहाँ विमेंस को, लड़कियों को वो पूरा मार्शल आर्ट सिखाते हैं। और मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ कि हम लोग को इन्वाइट किया, और आज इस इतना जितने भी ऑर्फनेज के बच्चे हैं या जितने भी जो गरीब बच्चे हैं उन सबको किताबें, बलून्स, जो भी चीज़ें हैं, बुक्स, टी शर्ट, सारी चीज़ें उनको दी भाई ने। आज ब्रूस ली जी के बर्थडे पर इतना अच्छा आपने काम किया। कितने लोग तो मुझे लगता है नहीं मना रहे, लेकिन आप है जो 10 साल से 10 ईयर्स से ब्रूस ली जी का बर्थडे मनाते हैं, और आज हमारा भी सौभाग्य हुआ हम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने भी कहा है कि चिता जी मुझे भी थोड़ा मार्शल आर्ट सिखा दी। वैसे मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, ब्लैक बेल्ट नहीं किया मैंने, सीख लेती तो अच्छा होता, बट उस वक्त तो पता नहीं प्रॉब्लम था। नहीं अभी हम मैं 6 महीने बाद तुम जो करने वाली हो, जो अभी जो उन्होंने ये जो ऐसी एक ट्रायल गेम था इनका, अभी वो मेरे से सीखेंगे, ये देखो रेबल के साथ मेरा ट्रायल गेम, जो रेबल को जो किया है रेबल का डबल इन्होंने मार के आएंगे। आई प्रॉमिस दैट मैं जरूर, मैं अभी पूरा सीख रही हूँ मार्शल आर्ट, रिंग में कैसे उल्टा पलटी, मतलब घुसे कराटे लाते क्या क्या, कैसे कैसे लर्न करना है मैं सब सीख रही हूँ। और अभी मैं पिछले 6-7 दिन से तो सीख ही रही हूँ, और मेरा थोड़ा बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं मुझे अभी। अगर पहले सीख लिया तो शायद फायदा होता ही है। हाँ, अगर पहले सीख लिया होता तो मुझे पता नहीं था ना कि मुझे रिंग में जाना पड़ेगा। वैसे मैं ब्राउन बेल्ट तो थी। देखिए ये क्या, ये चीटिंग होती है। आप रिंग में डांस के लिए बुलाते हैं और आप बगैर सामने वाले को बोले बगैर आप पटक देते हैं, ये चीटिंग होती है। तो मेरे साथ तो चीटिंग हुई है। सारा खान का जो वीडियो देखा आपने, क्या सारा खान का बुर्का वाला गाना देखा, उन्होंने माफी मांगी है ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी से, जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था आपका। देखिए वो लड़की है, माफी मांगी है, उन्हें इतना पता नहीं था तो माफ कर देना चाहिए मुझे लगता है। आपका भी एक सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही कि आप भी माफी मांग रहे हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली, हमें पता नहीं था वो मुद्दा क्या था, तो उन्होंने कहा क्या मुद्दा था मुझे पता नहीं था, बट लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं मालूम होने पर भी आपको बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा लगता था आपको? नहीं, ऐसा हमें कुछ पता नहीं था, बट इसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करूँ क्योंकि हम माफ़ी मांग चुके हैं। अभी हमको 6 महीने बाद जो तैयारी कर रही है ना राखी, देखिए अभी मैं तोड़ेगी, मैं उसकी बात कर सिर्फ एक ही है कि मुझे रेबल को तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है बस। और एक और भी सारे कि आप तनुश्री से भी माफ़ी मांग रही है, कुछ भी लोग न्यूज बोलते रहते हैं। हम लोगों को आज फाइट के बारे में बात देखिए, आज हमने केक काटा है और सबका मुंह मीठा करेंगे, ब्रूस ली जी का बर्थडे है और मैं मार्शल आर्ट सीख रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। यस, मैं माफी मांगू ना मांगू वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। अगर हमसे गलतियाँ होती है तो इंसान ही माफी मांग लेता है इंसान, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो मैं हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी ब्रूस ली जी को, और मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को ऊपर से इतनी शांति मिल रही होगी। प्लीज कम आस्था, शी इज कमिंग ऑन अ जी मेन लीड पे, तो मुझे लगता है उनकी आत्मा को आज बहुत शांति मिल रही होगी। और उसके बाद ये जो हम लोगों ने आज देखा है, हमने हमारा माइंड मेड अप कर लिया है कि हम ये सीखने वाले सीख रहे हैं। हाँ, मतलब सीखने वाले ये जो पूरा इवेंट है उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड में इतना ब्यूटीफुली सेट हुआ है कि हम लोग आज के बाद बिल्कुल लेजी नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें करने वाले हम लोग। मेरे माइंड में आता है एक सिक्स पैक विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, वन वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कभी मतलब जो कहीं गलत चीज़ करने वाले, लड़की को छेड़ने वाले, ये सब वाले, वो सोच भी उसके माइंड में नहीं आएगी जब वो ये ब्रूस ली का नाम ही सुन लेंगे। सो ये मेरे माइंड में उनकी इमेज और उनका इम्पैक्ट है। वी रियली सल्यूट हिम, वॉट यू नो बैरिकेड ही हैज़ मेड
फॉर क्या बोलते गलत सोच वाले लोगों के लिए जो बैरिकेड उन्होंने रखा है, एंड सेम व्हाट चीता सर इज़ डूइंग, वो भी उन्होंने इतना स्ट्रांगली अपना बैरिकेड रेडी किया है. गर्ल्स हो गाइज हो, एवरी वन इज जस्ट डूइंग अमेजिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. वी थैंक चीता सर, थैंक यू सो मच.